अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। करता हूँ क्या तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशी अता फरमाए, आमीन। रिस्क में बरकत और रिस्क में इजाफे का एक मुजर्रब और आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप बेरोज़गार हैं, रिस्क की तलाश में हैं, तो इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गैब के ख़जानों से आपकी मदद फरमाएंगे। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल नोट कर लें। अमल ये है, इस अमल को आपने अव्वलन इब्तदाई 21 दिन आपने ये अमल जारी करना रखना है, मुसलसल करना है। इसके दो फायदे हैं। रिस्क में अगर आजमाइश है, इम्तिहान है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए, इस अमल के ज़रिए से वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। दूसरी, अगर रिस्क में बंदिश है रूहानी तौर पर जादू जिन्नात के मसाइल की वजह से, या किसी दुश्मन की साजिश है कि जिसकी वजह से आपके रिस्क की बंदिश करवाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से वो भी टूट जाएगी। अमल क्या है? अमल यह है कि नमाज फजर के बाद आपने सबसे पहले अव्वल और आखिर तीन तीन बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े। पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरतुल वाकिया ये पढ़ा करें, कुरान से देखकर पढ़ लें। अगर आप हाफिज कुरान हैं तो इसको ज़ुबानी भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इस तरह करें कि सूरतुल कौसर को 21 बार पढ़ें। ये आपका अमल मुकम्मल है। आखिर में तीन बार दुरूद पाक पढ़ के आप दुआ मांगें। जिस मकसद के लिए दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में आप कामयाबी अता फरमा देंगे। इसी तरह आप इसी अमल को नमाज मगरिब के बाद दोबारा करना है। नमाज फजर के बाद भी अमल करें और नमाज मगरिब के बाद भी इस अमल को आपने जारी रखना है। 21 दिन तक इसको मुसलसल करें, यकीन के साथ करें और तवक्कल करते हुए रब के ज़ात पर करें, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट, बेशुमार रिज़ल्ट मिलेंगे। इसकी फ्यूज़ बरकात बेशुमार हैं और ये जिस जो रूहानी मसाइल है उसके भी काट करती है और गैब के ख़जानों से आपके लिए रिस्क के असबाब पैदा करती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।